हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी टुडे। तो यह है वो कैब एडियम वन वट का तीसरा वीडियो। ठीक है, दो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वो कैब वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट है आपके CDS और आने वाले SSC एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है मंडे। मंडे मतलब रियलिटी या ट्रुथ, मतलब सच्चाई। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, सॉरी, तो इसके सिनोनिम हो गए ऑर्डिनरी, वर्ल्डली या बोरिंग। ठीक, नेक्स्ट है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब समबडी हु इज़ वेल्दी, मतलब कि अमीर आदमी। ठीक, तो इसका सिनोनिम हो जाते हैं प्रॉस्पेरस, ऑप्यूलेंट। ठीक, वेल्दी भी हो सकता है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है एग्जॉर्बिटेंट, इसका मतलब एक्सीडिंग लिमिट्स, मतलब कि जैसे कि एक होता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो ये पर्याप्त मात्रा से और ज़्यादा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। तो सिनोनिम हो जाते हैं इसके एक्सेसिव। नेक्स्ट है डिफिडेंट, मतलब कि लैकिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी होने, ठीक है, भरोसा न होना। ठीक, तो इसको सिनोनिम हो जाता है टिमिड और कावर्ड। फिर है वोरेशियस। वोरेशियस का हम सीधा मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब होता है हंग्री, मतलब कि सिनोनिम होता है हंग्री, या रेवनस मतलब कि भूखा। भूखा भी लालच के नज़रिए से देखे जाए, लालची भूखा जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं वोरेशियस। अब है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, पहला है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। ठीक है, फिर है इन गेरीमैंडरिंग वे, इसका मतलब इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। ठीक है, नेक्स्ट है पिन मनी, मनी टू बी स्पेंड ओनली फॉर लग्जरीज एंड ट्रीट्स। ठीक है, पिन मनी उसको बोलते हैं जो कि केवल और केवल सामान वगैरह खरीदने और पार्टी वगैरह करने के लिए जो मनी अलग कर देते हैं, उसको बोल देते हैं हम पिन मनी। फिर दी एल्फा एंड ओमेगा, एल्फा एंड ओमेगा उसको बोलते हैं हम बिगिनिंग और एंड, शुरुआत और अंत को। रन इन टू रफ वेदर मतलब एनकाउंटर डिफिकल्टीज। ठीक है, एनकाउंटर डिफिकल्टीज बोलते हैं हम रफ, रन इन टू रफ वेदर। ठीक है, मुश्किल हालातों में आ जाना। फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला है एन एक्शन टेकन प्लेस बिफोर, कोई एक्शन जो पहले हुआ उसको बोलते हैं प्रिसिडेंट। फिर है अ यंग अनमैरिड गर्ल, यंग अनमैरिड गर्ल उसको बोलते हैं हम डैमसेल, और एक अनमैरिड वुमेन। ठीक है, एक अनमैरिड वुमेन उसको बोलते हैं स्पिनस्टर। तो इन दोनों में आप देख लीजिएगा कि फ़र्क है, एक है यंग अनमैरिड गर्ल, है गर्ल की बात हो रही है तो उसको बोलेंगे डैमसेल, और अगर वुमेन, अनमैरिड वुमेन की बात हो रही है तो उसको बोलेंगे स्पिनस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन एन एग्जागरेटेड मैनर। ठीक है, जो कार्टून होते हैं, मतलब ठीक है कार्टून, उसको क्या बोलते हैं हम कैरिकेचर। फिर वन हु इज़ अनमैरिड, ठीक है, अविवाहित, उसको क्या बोलते हैं हम सेलिबेट। ठीक है ना गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट सही लगा है, तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।